वेलकम फ्रेंड्स टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑन द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लेबोरेटरी मेडिसिन क्वेश्चन आंसर सेशंस। ये कार्डियक मार्कर्स के ऊपर है और इस लेक्चर में मैं दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करूंगा जो कि रिसेंटली डेवलप हो रहा है। एक तो है व्हाट इज एचएस ट्रोपोनिन और हाई सेंसिटिविटी ट्रोपोनिन, और दूसरा व्हाट इज सीकेएमबी मास। नाउ एचएस ट्रोपोनिन इज अ लेटेस्ट टेस्ट जो मार्केट में आ रहा है। ये एबर्ट के पास है, ओसीडी के पास है, रोच के पास है, और ये मार्कर एक्चुअली हार्ट अटैक को डायग्नोज करने में काफ़ी कुछ चेंज लाने वाला है और पूरी दुनिया ट्रोपोनिन से एचएस ट्रोपोनिन के ऊपर शिफ्ट करने वाली है। एचएस ट्रोपोनिन क्या है? एचएस स्टैंड्स फॉर हाई सेंसिटिविटी ट्रोपोनिन। है तो ये वही ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल, ये तो वही मॉलिक्यूल है जिसको हम टेस्ट करके हार्ट अटैक को डायग्नोज करते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि टेस्ट में काफ़ी रिफाइनमेंट हो गया है, उसका सेंसिटिविटी ज़्यादा हो गया है और अभी हम बहुत माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ ट्रोपोनिन को डिटेक्ट कर सकते हैं और वो भी कंसिस्टेंटली डिटेक्ट कर सकते हैं। नॉर्मल ट्रोपोनिन जो हम डिटेक्ट करते हैं, जो कन्वेंशनल ट्रोपोनिन आज के लैब में आता है जो डिटेक्ट करता है, वो 12 नैनोग्राम्स पर लीटर के ऊपर डिटेक्ट करता है और 120 नैनोग्राम्स पर लीटर के ऊपर हम उसको मायोकार्डियल इन्फार्क्ट हार्ट अटैक कहते हैं। ये टेस्ट एचएस ट्रोपोनिन का कैपेबिलिटी है कि 2 नैनोग्राम पर लीटर ऑफ ट्रोपोनिन को भी डिटेक्ट कर सकता है, मतलब 12 से घटा के 2 तक ले आ चुके हैं। नाउ 12 से 2 अगर नंबर देखें आपको तो नंबर में कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है, बट अगर आप ये सोचें कि ट्रोपोनिन में 120 नैनोग्राम्स पर लीटर को हम पॉजिटिव या हार्ट अटैक मानते हैं, तो 2 नैनोग्राम पर डेसीलीटर से लेकर 120 नैनोग्राम पर लीटर तक का जो रेंज है वो आपका एचएस ट्रोपोनिन ईजिली डिटेक्ट कर लेता है। इसीलिए ये मार्कर हार्ट अटैक के लिए काफ़ी अच्छा है। कई लोग जिसका वैल्यू 12 नैनोग्राम पर लीटर से भी कम होता है, जिसको हम कहते हैं कि नॉर्मल है, इनको हार्ट अटैक नहीं होता है, उनको ज़्यादातर देखा गया है कि उनमें हार्ट डैमेज हुआ है और काफ़ी देर के बाद जब दूसरा टेस्ट करते हैं, 6 घंटे के बाद जब दूसरा टेस्ट करते हैं, तब पता चलता है कि ट्रोपोनिन लेवल बढ़ गया और उसको हार्ट अटैक है। नाउ 6 घंटे के बाद अगर आपको ये रिजल्ट मिलता है, हार्ट में काफ़ी डैमेज हो चुका है और उसको हम बचा नहीं सकते। लेकिन एचएस ट्रोपोनिन का दो चीज़ है, एक तो उसका लोअर डिटेक्शन लिमिट काफ़ी लो है, और दूसरा अगर आप 1 घंटे के बाद भी रिपीट करेंगे और थोड़ा फ़र्क दिखता है आपको, तो गारंटी के साथ है कि मसल में डैमेज हुआ है और आगे भी हो रहा है। तो एचएस ट्रोपोनिन हार्ट अटैक को डायग्नोज करने में गेम चेंजर है, फ्यूचर में यही टेस्ट होगा हार्ट अटैक को डिटेक्ट करने के लिए। एक और चीज़ देखा गया है कि जो स्टडीज़ किया है, आईसीयू में जो पेशेंट्स हैं अगर उनका ट्रोपोनिन नॉर्मल है लेकिन एचएस ट्रोपोनिन रेज्ड है, मतलब 2 से लेकर 12 के बीच में जो आपको ट्रोपोनिन नेगेटिव रिजल्ट देगा, और एचएस ट्रोपोनिन अगर देता है कि करीब 10 है 12 है, तो आपको मालूम है कि इसमें हार्ट डैमेज हो चुका है और आगे इस पेशेंट का रिस्क ऑफ डेवलपिंग कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो जाता है। तो ये एक प्रोग्नोस्टिक वैल्यू है। अगर कोई नॉर्मल आदमी का एचएस ट्रोपोनिन बढ़ा हुआ मिलता है तो अगर अभी नहीं तो अगले 6 या 1 साल के अंदर पक्का कुछ ना कुछ हार्ट प्रॉब्लम्स होने वाला है। उसको स्क्रीन करने के लिए आपके हेल्थ चेकअप पैकेज में ट्रोपोनिन से अच्छा है कि एचएस ट्रोपोनिन को भी इंक्लूड करो, ताकि आपको पता चले अर्ली कि किस पेशेंट को हल्का सा हार्ट डिजीज़ भी है और उसको सही तरीके से इलाज कर सके। दैट इज़ वाई हाई सेंसिटिव ट्रोपोनिन एचएस ट्रोपोनिन बेस्ट मार्कर है, और फ्यूचर में ट्रोपोनिन ख़त्म हो जाएगा और एचएस ट्रोपोनिन ही चलता रहेगा। द नेक्स्ट कॉमन थिंग इज हम सीकेएमबी ट्रेडिशनली करते हैं हार्ट प्रॉब्लम हार्ट अटैक को डायग्नोज करने के लिए, लेकिन जिस तरीके से हम करते हैं वो उसको एक एंजाइम के तौर पर मान के ये चेक करते हैं कि कितना सब्सट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका सीकेएमबी का यूनिट होगा इंटरनेशनल यूनिट्स पर लीटर। सीकेएमबी इज क्रिएटिनिन काइनेज एमबी सब फ्रैक्शन। जो एंजाइम क्रिएटिनिन काइनेज है उसका एक सबस्ट्रेट डालकर ये चेक करते हैं कि कितना प्रोडक्ट टाइम पे बना लेता है, और उस हिसाब से कैलकुलेट कर लेते हैं कि ब्लड में सीकेएमबी कितना है। सीकेएमबी एक प्रोटीन है, सर्कुलेशन के दौरान ये प्रोटीन थोड़ा बहुत डैमेज हो जाता है, डीनेचर हो जाता है, जिससे इसके एंजाइम कैपेसिटी जो है ख़राब हो जाता है। तो मतलब पूरी तरह से एक फंक्शनल एंजाइम की तरह काम नहीं करता है, और कई बार अगर थोड़ा लेट सैंपल लिया जाए तो आपको वैल्यूज़ लो मिलेंगे। क्यों?
क्योंकि ये प्रोटीन है, प्रोटीन सर्कुलेशन में थोड़ा सा चेंज हो गया है, इसके एंजाइम एक्टिविटी कम हो जाता है, जिसके कारण जो एक्चुअल वैल्यू है और जो वैल्यू हम डिटेक्ट करते हैं उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। लेकिन अगर हम इसी एंजाइम को एक प्रोटीन के तौर पे देखें, इसी एंजाइम को हम एक प्रोटीन, एक एंटीजन के तौर पे देखें, तो उसके ऊपर हम एंटीबॉडीज़ बना सकते हैं, और इस एंटीबॉडीज़ को हम कैमिल्यूमिनेसेंस या इम्यूनोटर्बिडोमेट्रिक मेथड से डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपका TSH एक प्रोटीन है, उसको क्वांटिफिकेशन के लिए हम कैमिल्यूमिनेसेंस या इम्यूनोटर्बिडोमेट्रिक मेथड से करते हैं, ठीक उसी तरह CKMB क्रिएटिन काइनेज MB जो एंजाइम है, अगर हम उसको एक प्रोटीन की तरह देखें, उसमें एंटीबॉडीज़ रेज करें और उसको कैमिल्यूमिनेसेंस या इम्यूनोटर्बिडोमेट्री में करें, तो हम क्वांटिफाई कर सकते हैं इसको। इसका यूनिट्स होगा नैनोग्राम पर ml और नॉट इंटरनेशनल यूनिट्स पर लीटर। अगर थोड़ा सा भी प्रोटीन डीनेचर हो जाए, थोड़ा सा भी उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाए सर्कुलेशन में, तो उसका एंजाइम एक्टिविटी ख़राब हो सकता है, लेकिन वो है तो एक एंटीजन जिसके ऊपर आपका एंटीबॉडी बाइंड कर सकता है और उसको हम ठीक से क्वांटिफाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम CKMB को एक प्रोटीन के तौर पे देखें, उसके ऊपर एंटीबॉडीज़ बनाकर उसका मास को कैलकुलेट करें, तो वो टेस्ट जो है एक्टिविटी से ज़्यादा बेहतर है। तो बिटवीन द टू चॉइसेस, CKMB या CKMB एक्टिविटी या CKMB मास, इट इज़ प्रेफरेबल टू गो टू CKMB मास। बिटवीन ट्रोपोनिन एंड HS ट्रोपोनिन, इट इज़ बेटर टू गो टू HS ट्रोपोनिन, बिकॉज HS ट्रोपोनिन काफ़ी सेंसिटिव टेस्ट है और आपको लो वैल्यूज़ के बारे में बताएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू माई लेक्चर, आपको अगले लेक्चर में मिलेंगे। Something over here.